गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। लास्ट क्लास में भी आपके हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन स्टडी कर रहे थे और उन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फुल डिटेल में हमने उसकी स्टडी कंप्लीट कर ली थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट पोर्शन था उसका SN1 रिएक्शन, सेकंड पोर्शन था SN2 रिएक्शन और थर्ड वन था आपका SNI रिएक्शन। SN1 मींस आपको बताया गया था कि यूनिमोलिकुलर और मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। SN2 रिएक्शन डाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करता है और आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर SNI में इंटरमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNI हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसको स्टडी भी नहीं किया। SN1 और SN2 रिएक्शन हमने फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था और हमने बिल्कुल डाउट क्लियर करते हुए सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उसको अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी उसको अपने सबको एक्सप्लेन किया गया था। इज़ इट क्लियर? फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर ट्राई किए थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। नहीं आए फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हो और मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आप की सबसे फैसिलिटीज़ ये है कि आप ऑनलाइन कमेंट्स अप्लाई कर सकते हो और उसके क्वेश्चन के आंसर भी कभी भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्टार्ट किया था, कुछ छोटी छोटी सी रिएक्शन थी, वो थी आपकी AgCN के साथ, सिल्वर साइनेट के साथ, KCN के साथ। वहाँ पे देखा था कि KCN के साथ कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है और AgCN के साथ कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। फिर KNO2 के साथ, AgNO2 के साथ भी देखा था। कोवेलेंट कैरेक्टर से वहाँ पे कंपाउंड डिफरेंट आ रहे थे, उस कैरेक्टर से आयनिक कैरेक्टर से वहाँ पे कंपाउंड और डिफरेंट आ रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। फिर लास्ट रिएक्शन हमने की थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हमने एल्काइलेशन स्टडी किया था, उसके अंदर बेंजीन की रिएक्शन अपने मैथिल क्लोराइड से कराई थी और टॉलिन फॉर्मेशन किया था। टॉलिन फॉर्मेशन करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ था दैट इज कॉल्ड आप जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ दैट इज कॉल्ड टॉलुइन। क्लियर? उसके बाद हमने उसकी मैकेनिज्म देखी, मैकेनिज्म को पूरी तरह कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं या किस प्रकार उसके मैकेनिज्म से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इससे टॉलुइन ही फॉर्मेशन क्यों हुआ, उसके अंदर और कोई कंपाउंड फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, ये हमने सारी चीज़ की थी। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद जो सेकंड पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, वो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है जो कि आपको हेलो एल्केन का पार्ट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। हेलो एल्केन कंप्लीट होने के बाद हेलो एरिन स्टार्ट करेंगे अपन। आई होप टुडे क्लास में आज ये कंप्लीट हो जाएगा। टुडे क्लास में वी विल ट्राई कंप्लीट दिस टॉपिक, कोशिश करेंगे पूरी कि हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हेलो एरिन स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? लेक्चर नंबर 7 टुडे, योर क्लास नाउ स्टार्ट। रिएक्शन है कैपिटल बी में, फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन को अपन यदि और नेम से डिवाइड करें तो इसी रिएक्शंस को अपन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अभी आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा इसको ऐसा क्यों कहते हैं बीटा एलिमिनेशन।
इसी की बात करें तो बीटा एलिमिनेशन के बाद जो रिएक्शन आती है या इसका दूसरा जो नेम है वो है आपका डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन इसको अपन यहां पर बोलेंगे। इसके इतने सारे नेम क्यों लिए गए, व्हाट इज द रीजन? एलिमिनेशन रिएक्शन एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें या डिहाइड्रोजिनेशन की बात करें, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ध्यान रखना डिहाइड्रोजिनेशन अलग होता है, डिहैलोजिनेशन अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट है सब में। तो ये हो गया आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। व्हाट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल लेते हैं एल्किल हैलाइड का, CH3CH2CH2, Br ले लो या Cl ले लो, जैसे पूरे एग्जाम्पल मैंने Br ले लिया, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो यूज़ होगा वो एल्कोहलिक QH होगा, एक्वस QH यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक्वस QH वहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरी रिएक्शन फॉर्मेशन करेगा, फिर वहाँ से एल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ से पहले Br ब्रेक होगा, मतलब ये रिएक्शन जो कंप्लीट होगी किस टाइप से होगी, ये Br बॉन्ड ब्रेक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करने से क्या फॉर्मेशन होगा, CH3CH2CH2 पॉजिटिव, और Br आपका माइनस में रिलीज हो जाएगा। Br क्या हो गया, माइनस में रिलीज। अब इसकी रिएक्शन आगे, अब ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, इट इज़ ए 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है, तो यहाँ से नियरेस्ट एटम से यहाँ से एक कह सकते हैं हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी अनकम्प्लीट है, इसकी वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट है, तो इन दोनों के आपस में एक कॉम्बिनेशन बैठता है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करने का, कहते हैं ना पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, वो वाला रूल से यहाँ पर फॉलो हो रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ से आप हाइड्रोजन रिप्लेस करके दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर सकते हो। अब आप यहां से नहीं कर सकते क्योंकि इसकी और इसकी तो बॉन्डिंग ही नहीं है, क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और वो हाइड्रोजन होकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड कंपाउंड बना लेगा, और डबल बॉन्ड कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और जो एक H निकला है वो H प्लस अलग से रिगेन हो जाएगा आपका। अब हमको मेन प्रोडक्ट तो मिल गया लेकिन हमारे Br और H बच गए। वो Br और H मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता आपके लिए कंपाउंड या प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देता, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस टाइप से ये पहले फॉर्मेशन होगा, मतलब ये जो बनाया है ये क्या बनाया है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बनाया है, फर्स्ट 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बनाया, फिर इसकी रिएक्शन हमने ये फॉर्मेशन किया है, क्लियर? जब 1 डिग्री कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हुआ है तो अब ये जो Br और H प्लस बचे हैं ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे KOH से, तो K से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, KBr। तो देखो मैं लास्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट तो एज इट इज सेम यहाँ आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मीन्स इससे डायरेक्ट ये बना KBr प्लस H2O, मतलब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहलिक क्यूएच की रिएक्शन करने पर ये कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। अब ये ऐसे हुआ कैसे, इसके लिए हमने ये स्टेप आगे बढ़ा दिया जिससे हम इजी वे में एक्सप्लेन कर सकें, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, तो इसमें से Br बाहर निकला है, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकला है, इज इट क्लियर? अब एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट होना, बाहर निकल जाना, जैसे कहते हैं ना किसी राउंड से एलिमिनेट हो गए, किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, हमको उसके रूल्स या उसके क्वेश्चन नहीं आए तो उसको कहते हैं एलिमिनेट हो गया, आउट हो गया, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेट हो गया, क्लियर? बीटा एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, इसको तो बोलते हैं अल्फा, और इससे पास वाला जो कार्बन है वो कौन सा है, बीटा, तो बीटा कार्बन से कौन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन, सो दैट्स कॉल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
फिर एक बात आती है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों बोला सर आपने? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस कि यहां पर हाइड्रोजन और हैलोजन एलिमिनेट हुए हैं, इसी कंपाउंड से हैलोजन रिलीज हो रहा है, इसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। कार्बन डिफरेंट है लेकिन कंपाउंड तो पूरा का पूरा है, बन ब्रोमो प्रोपेन। तो इससे तो बी आर रिलीज हो गया, इससे नियरेस्ट वाले से एच रिलीज हो गया, देन इट्स कॉल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इन दैट केस केवल हाइड्रोजन रिलीज होती, हाइड्रोजिनेशन बोल दी, हाइड्रोजिनेशन बोल देते, हैलोजन रिलीज होती तो डिहाइलोजिनेशन बोल देते, लेकिन दोनों ही रिलीज हो रहे हैं। सो दैट्स आई एम सेइंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो ये कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल प्रोपीन। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपीन। तो ये है यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे बात करते हैं, ये तो बात हो गई 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। इन दैट केस इसका नेम क्या है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। वन डिग्री एल्किल हैलाइड की बात हो गई है तो, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के अलावा कोई और एल्किल हैलाइड यहाँ पर यूज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, एक रिएक्शन तो आपकी ये हो गई, सेकेंड वन जो है वो अपन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। देखो ऐसी सिचुएशन आ जाए CH3, CH2, CH2, BR, CH3, ऐसी सिचुएशन आ जाए। अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो एल्कोहलिक KOH से, किससे कराई है? एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक ग्रुप वाला कंपाउंड है जो कि KOH के साथ रिएक्ट किया हुआ है। अब इस कंडीशन में ये क्या है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो नियरेस्ट 2 कार्बन से अटैच है, देन इट्स कॉल 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अब बात आती है कि कंपाउंड क्या बनेगा। अब देखो BR तो रिलीज होगा, ये तो पता है अपन को, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हमारा बीटा कार्बन इधर वाला भी हो गया और बीटा कार्बन इधर वाला भी हो गया। मैंने बताया ना, फर्स्ट कार्बन आपका बीटा होगा तो बीटा ही हो गया, अल्फा कार्बन तो ये है ही है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा। अब यही कंडीशन आपकी टर्सरी एल्किल हैलाइड में फॉलो हो सकती है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में भी फॉर्मेशन हो रही है, फॉलो हो रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, इसके लिए रूल्स फॉलो होता है, इसके लिए रूल्स आता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम है सेतजेफ रूल। व्हाट इज द सेतजेफ रूल, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो सेतजेफ रूल्स क्या होता है, पहले यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ सेतजेफ रूल। सेतजेफ रूल की बात करें, तो सेतजेफ रूल, व्हाट इज द सेतजेफ रूल, सेतजेफ रूल क्या होता है, व्हाट इज द सेतजेफ रूल। देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, वो भी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, जब आप 2 डिग्री सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, जब एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो उस कंडीशन में 2 टाइप्स की एल्किन फॉर्मेशन हो रही है। एल्किन तो बनेगी, अपन को पता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एल्किन बन रही है अकॉर्डिंग टू टॉप रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग एल्किन तो फॉर्मेशन होगी, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर 2 टाइप की एल्किन फॉर्मेशन होगी कि आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा या हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। तो इस कंडीशन में हम इसकी 2 प्रायोरिटीज लिख लेते हैं। 2 प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं वो एक बार नोटिस करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि H यदि यहाँ से रिलीज होता है तो क्या बनेगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक तो कंपाउंड ये बनेगा। सेकंड प्रायोरिटीज क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये सेकंड प्रायोरिटी हो गई, ये कंपोनेंट यहाँ से बनेगा। क्लियर?
तो इस कंडीशन में ये वाला कंपोनेंट सही है या ये कंपोनेंट सही है, उसके लिए सत्यजेव रूल्स आता है। सत्यजेव रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपन इसको प्रिपेयर करते हैं, बनाएंगे तो सही दोनों, लेकिन मेजर माइनर प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो गया। अब मेजर माइनर कैसे आइडेंटिफाई करें? अब देखो जो सत्यजेव कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। वो कहता है कि व्हेन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहल एक्वस, देन वन मोर टाइप ऑफ द एल्कीन फॉर्मेशन, वन मोर टाइप एल्कीन, टू टाइप की एल्कीन फॉर्मेशन हुई है। देन विच एल्कीन इज द मेजर अमाउंट द सब्स्टिट्यूएंट एट प्रेजेंट लॉन्गेस्ट नंबर, मतलब जो कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा प्रेजेंट हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, वो एल्कीन मेजर अमाउंट में बनेगी या मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी अकॉर्डिंग टू सत्यजेव। टू टाइप की एल्कीन तो फॉर्मेशन होंगी, लेकिन वह एल्कीन जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगी जिस एल्कीन में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, जिसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन की सिचुएशन ज्यादा रहेंगी, स्टेबल एल्कीन रहेगी। तो अब स्टेबल कौन सी है वो देखो, आप बात करता हूँ मैं इस एल्कीन की। तो इस एल्कीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अपन एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस साइड तो कोई कार्बन बॉन्डेड है नहीं, लेकिन इस साइड ही कार्बन बॉन्डेड है। तो ये डबल बॉन्ड कार्बन से जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन लेके आ रहा है। कितने हाइड्रोजन लेके आ रहा है, दो हाइड्रोजन लेके आएगा। तो दो हाइड्रोजन ही है केवल यहाँ पर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग या अल्फा हाइड्रोजन इसके पास केवल दो ही है। क्लियर? अब बात आती है सर अल्फा, तो आपने वहाँ अलग बताया था, वो सिचुएशन अलग है और ये सिचुएशन अलग है। क्लियर? यहाँ पर बात करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर दो हैं डबल बॉन्ड कार्बन पर, इधर तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है लेकिन इधर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये लेस स्टेबल एल्कीन हो जाएगी। जबकि इसमें इस सिचुएशन को अपन नोटिस करें कि यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड वाला, उसमें इधर भी कार्बन प्रेजेंट है, इसमें इधर भी कार्बन प्रेजेंट है, मतलब बोथ साइड मैथिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द डबल बॉन्ड कार्बन एटम, सो इट्स एल्कीन इज अ मोर स्टेबल कंपैरिजन टू दिस वन। तो मींस ये प्रोडक्ट तो बनेगा आपका 30% और ये प्रोडक्ट बनेगा आपका 70%। क्लियर? इसका ये लेस स्टेबल एल्कीन है, ये मोर स्टेबल एल्कीन है। लेस स्टेबल और मोर स्टेबल का मींस अभी बता ही दिया मैंने, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है, और अकॉर्डिंग टू सत्यजेव यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा प्रेजेंट है, इस बार भी इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है और इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है, और इसमें केवल इस साइड ही सब्स्टिट्यूएंट है, इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, इसलिए ये लेस स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। तो मेजर कंपोनेंट होगा आपका ये होगा, ठीक है ना। यदि आप अकॉर्डिंग टू टॉप वाली रिएक्शन के इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे आप एक बार देख लें कि यदि मैं इसके कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करूं तो यहां से Br रिलीज होगा माइनस में, बॉन्ड ब्रेक करते हुए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3। तो कंडीशन यही बन रही है, दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बो कैटायन, दैट इज कॉल 2 डिग्री कार्बो कैटायन। तो अब H+ यहाँ से भी रिलीज हो सकता है, H+ यहाँ से भी रिलीज हो सकता है। इज इट क्लियर? ये है आपकी एल्कीन से, यहाँ से रिलीज हुआ तो ये बना दिया, यहाँ से रिलीज हुआ ये बना दिया, मेजर माइनर का भी रीजन बता दिया कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। ये है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको देख सकते हो। बस 2 डिग्री और 3 डिग्री वाली एल्कीन में आपको सत्यजेव रूल्स यूज़ करना है, सत्यजेव के अकॉर्डिंग है तो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। देख लो एक बार, फिर रफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं रिएक्शन।
चलिए चलें आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। व्हाट इज द नेक्स्ट रिएक्शन? नंबर ए हो गया, बी हो गया, नाउ स्टार्ट कैपिटल सी। कैपिटल सी की बात करें तो कैपिटल सी क्या है? मेटल रिएक्शन करेगा आप यहाँ पर, रिएक्शन विद मेटल। एल्किल हैलाइड्स के अपन रिएक्शन कराएंगे किससे? मेटल्स के साथ। मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं अपन। तो मैं यहाँ पर कैपिटल सी यूज करता हूँ, रिएक्शन विद मेटल। मेटल में फर्स्ट रिएक्शन है आपकी सोडियम के साथ, रिएक्शन विद सोडियम। और इस रिएक्शन को अपन नेम देते हैं बुट्टज रिएक्शन। बुट्टज रिएक्शन मतलब सोडियम रिएक्शन करेगा इसमें। बुट्टज रिएक्शन व्हाट इज इट? बुट्टज रिएक्शन बुट साइंटिस्ट नेम है, उसके अकॉर्डिंग अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। हेलो एल्केन की बुट्टज रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, और इसमें फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम से। सोडियम से रिएक्शन को अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मैं सोडियम से कराता हूँ, इस टाइप से रिएक्शन होगी। और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो देखते हैं, इसमें यूज़ होता है वो ड्राई ईथर कैटालिसिस बर्क करता है। क्या वर्क कर रहा है? ड्राई ईथर कैटालिसिस बर्क कर रहा है। ईथर, क्लियर? अब यहाँ से अपन देखते हैं कि ये एन ए के साथ सी एल दोनों रिलीज होते हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है आपका CH3 2NaCl, इट्स कॉल एथेन। IUPAC नेम एथेन, क्लियर? तो ये मैं एल्किल हैलाइड यूज किया है मैंने। एल्किल हैलाइड इधर भी सेम कार्बन वाला है, एल्किल हैलाइड इधर भी सेम कार्बन वाला है। दोनों एक साथ भी लिख सकता था लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए एक डिफरेंट वे यूज़ किया गया, जिससे NaCl की रिएक्शन सोडियम के साथ यूज़ होते हुए 2NaCl निकल गया और क्या फॉर्मेशन हो गया आपका? एथेन फॉर्मेशन हो गया। क्या फॉर्मेशन हो गया? एथेन, CH3 CH3। तो ये CH3 CH3 फॉर्मेशन, क्लियर? अब ध्यान रखना कि बुट्टज रिएक्शन आए तब आपको दोनों नंबर ऑफ द कार्बन सेम रहने हैं, नंबर ऑफ द कार्बन एल्किल हैलाइड सेम यूज़ करने हैं, डिफरेंट यूज नहीं करने हैं, क्लियर? मेथिल क्लोराइड इधर यूज किया है ना तो इधर ही मेथिल क्लोराइड यूज करना है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो एथेन फॉर्मेशन होगा लेकिन जब आप डिफरेंट यूज करोगे, जैसे इधर आपने एथिल क्लोराइड यूज कर लिया, इधर मेथिल क्लोराइड है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे। डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे, वो डिफरेंट कंपाउंड क्या होंगे वो अपन एक बार देखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या रिएक्शन होगी? बुट्टज रिएक्शन, ध्यान रखना ये वाली है। अब इसकी बात करते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड ये यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन हो जाती है मिक्स बुट्टज रिएक्शन। मिक्स बुट्टज रिएक्शन, बुट्टज रिएक्शन, बुट्टज रिएक्शन, एज योर चॉइस व्हाट यू कॉल। तो बुट्टज रिएक्शन, बुट्टज क्या है? इस कंडीशन में मैं इधर तो ले रहा हूँ CH3Cl और इस साइड ले रहा हूँ मैं सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, फिलहाल मैं 2 यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ये रिएक्शन हो रही है C2H5Cl के साथ, कंपोनेंट में ड्राई ईथर ही प्रेजेंट है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है ना? ड्राई ईथर की रिएक्शन प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब ड्राई ईथर की रिएक्शन प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो कंपोनेंट क्या बनेगा? तो वो NaCl तो रिलीज होगा, अपन को पता है कंपोनेंट वैसे जाएगा, सेम NaCl तो फॉर्मेशन हो गए। तो NaCl मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, 2
NaCl, तो यूज़ नहीं करते क्योंकि बैलेंस करनी पड़ेगी। क्लियर। बुड्स रिएक्शन कराते हैं तो बुड्स रिएक्शन कराने पर तो अपन को एक ही टाइप का एल्केन मिला, एथेन, और NaCl फॉर्मेशन हो गया। लेकिन मिक्स बुड्स रिएक्शन में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्केन मिलेंगे, और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्केन फॉर्मेशन होते हैं तो वो कौन से होंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 फॉर्मेशन होगा, सेकेंड वन CH3 फॉर्मेशन होगा, थर्ड वन CH3 फॉर्मेशन होगा। क्लियर। मतलब इसके रिएक्शन में, मुड्स मिक्स बुड्स रिएक्शन में आपकी जो कंपाउंड बनेंगे वो थ्री टाइप के एल्केन फॉर्मेशन करेगा, जिसमें फर्स्ट है एथेन, सेकेंड वन प्रोपेन, और फिर है ब्यूटेन। थ्री टाइप के बनने मिक्स सब रिएक्शन आ रही है, बिकॉज टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड यूज इन दिस रिएक्शन। बस आपको अपना बैलेंस करनी है रिएक्शन कि कितने कार्बन हैं, कितने हेलोजन आइटम्स हैं, एक्सेट्रा चीजें। तो देखो कार्बन काउंट करो, फर्स्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9 नाइन कार्बन है, तो नाइन कार्बन को बैलेंस करते हैं। तो इन दैट केस मैं यहाँ पर 3 यूज़ कर दूँ, और इस केस में मैं यहाँ पर 3 यूज़ करता हूँ, तो ये 6 कार्बन हो गए, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6, और ये 6 और 3 9 कार्बन, तो कार्बन बैलेंस्ड हो गए आपके। अब हैलोजन एटम भी बैलेंस करने हैं, तो हैलोजन एटम कितने हैं, 3 यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और 3 यहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो 6 यूज़ कर दूँ मैं, तो 6 NaCl रिलीज़ हो जाएंगे इस बार। कितने रिलीज हो गए, 6 NaCl। इज इट क्लियर, दैट इज रिएक्शन कॉल मिक्स बुड्स रिएक्शन। बुड्स रिएक्शन और मिक्स बुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 2019 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है या आ चुका है। ये आपकी बुड्स रिएक्शन हो गई। बुड्स रिएक्शन में ध्यान रखना, मिक्स बुड्स में है क्या कंडीशन है दोनों के लिए, वो आपको नोटिस करनी है। फिर रिएक्शन आती है नंबर दो पे आपकी, नंबर दो पे बात करते हैं, तो नंबर दो पे जो रिएक्शन है वो है आपकी लिथियम के साथ, रिएक्शन विद मेटल रिएक्शन चल रही है, सोडियम से हो गई रिएक्शन विद लिथियम Li। देखो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन, C2H5Cl2Li ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो 2Li यूज़ किया तो एक तो Li फॉर्मेशन हो जाता है, एक तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है Li फॉर्मेशन, और एक C2H5Li बन जाता है। क्या बन जाता है, C2H5Li, और एक बन जाता है आपका LiCl। एल्किल लिथियम फॉर्मेशन हो रहा है, और एक कंपाउंड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका LiCl, लिथियम क्लोराइड बन रहा है। क्लियर, ध्यान रखना, मतलब इस दो लिथियम थे, एक लिथियम Cl के साथ रिलीज हो गया, अब जो एक लिथियम बचा है उसने यहाँ पर जाके बॉन्डिंग कर ली, तो रिएक्शन विद लिथियम एटम हो गए। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें तो थर्ड वन रिएक्शन है आपकी Zn के साथ, रिएक्शन विद Zn, इसको अपन कह सकते हैं फ्रैकलेन रिएक्शन, साइंटिस्ट नेम से है, इट्स कॉल्ड फ्रैकलेन रिएक्शन। व्हाट इज द फ्रैकलेन रिएक्शन, फ्रैकलेन रिएक्शन की बात करें तो एल्किल हैलाइड के C2H5Cl बीच में सेम एज इट इज, जैसे मैंने बुट्टस रिएक्शन में सोडियम यूज़ किया था ऐसे मैं Zn यूज़ कर रहा हूँ, और क्या फॉर्मेशन कर रहा हूँ C2H5Cl, मतलब एक एल्किल हैलाइड का कंपाउंड इस साइड, एक एल्किल हैलाइड कंपाउंड इस साइड, दोनों को मैं Zn के साथ रिलीज़ कर रहा हूँ, और Zn के साथ रिलीज़ करने से C2H5 और ZnCl2 रिलीज़ हो रहा है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में जो कंपाउंड बनेगा वो ZnCl2 बनेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्रैकलेन रिएक्शन के अंदर
एक तो C2H5Cl रिएक्शन कर रहा है और Zn के साथ रिएक्शन हो रही है, और जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ZnCl2 एंड प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन नहीं है, इसके अंदर जो कंपाउंड बनेगा वो C2H5 का होल ट्वाइज Zn फॉर्मेशन होगा डायल्किन्जिन। तो यहाँ पे मैं दो Zn मॉलिक्यूल यूज कर दूँ, कैसे, एक ZnCl तो यूज हो गया इसके लिए ZnCl2, एक Zn यूज हो गया टू एथिल मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके लिए, एथिल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ पर जो बना वो आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, डाई एल्किल जिंक कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस रिएक्शन में क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो आपको यहाँ पर नोटिस करना है। दिस इज योर रिएक्शन विद मेटल। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और रिमेनिंग है मैग्नीशियम के साथ, वो भी अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसको राइट डाउन करो आप। लिख लिया, तो एक अपने बुर्ज रिएक्शन बनाई है, एक हमने मिक्स बुर्ज बनाई है, और फिर हमने रिएक्शन विद लिथियम से स्टार्ट किया था, और फिर हमने रिएक्शन विद Zn से लिखी है जिसमें फ्रैकलन रिएक्शन इस वह साइंटिस्ट नेम से रिएक्शन की है, और ये कंपाउंड फॉर्मेशन किया है। इस कंडीशन में क्या बना, थिल जिंक। That is called butane, similar to Bud's reaction. इसमें दो compound वाला बना है, यहाँ पर चार compound वाला, जितने carbon यहाँ use करोगे उतनी type का यहाँ पर compound formation हो जाएगा, that is called butane. चलते हैं, देखो मैग्नीशियम के साथ एक रिएक्शन अपन डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम के साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि मैग्नीशियम में रिएक्शन जो फॉर्मेशन होगा वहां पर एक रिएजेंट फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रिनियार रिएजेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रिनियार रिएजेंट। नेक्स्ट नंबर बुर्ज हो गई, सोडियम से हो गई, लिथियम से हो गई। नंबर फोर पे है आपकी रिएक्शन विद Mg मैग्नीशियम के साथ। व्हाट इज इट, लेट्स सी। ये वायर इतना लंबा है कि हमारे पैरों को पकड़ रहा है। चलो देखिए, इसमें एल्किल हैलाइड मैं RX यूज कर रहा हूँ और उसकी रिएक्शन करा रहा हूँ Mg के साथ। ईथर की प्रेजेंस रखी गई है। अब ये रिएक्शन जो होती है वो कैसे होती है कि एल्किल हैलाइड में जो कार्बन और हैलोजन के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, उसमें थोड़ी सी वीकनेस आती है जिससे मैग्नीशियम इसके दोनों बिटवीन जाके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती है और एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। उस कंपाउंड को बोलते हैं RMgX। RMgX कॉल इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। RMgX कॉल इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि लैब में बहुत यूज होता है। RMgX बहुत सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करता है, प्रिपरेशन मेथड में, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में, बहुत सारी रिएक्शंस में ये यूज होता है। इज इट क्लियर।
अब ये कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसके लिए अपन इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म बड़ी अच्छी है इसकी, छोटी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। सिंपल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, RMGX, R के प्लेस पे अपन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं CH3XCl यूज करूं या BR यूज करूं, कंपाउंड MG से रिएक्शन करेगा, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और देन फॉर्म CH3MgBr। R की जगह CH3 यूज हो गया, MG के प्लेस पे MG है और X के प्लेस पे BR यूज हो गया। दैट्स कॉल्ड अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके लिए इसकी मैकेनिज्म को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देखो व्हाट इज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम के आउटर सेल में, मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है आपका 12, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल 2, 8, 2, ये एटॉमिक नंबर होता है। इस कंडीशन में होगा क्या, मैग्नीशियम अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। एक ही पॉजिटिव बिहेवियर क्या है मैंने ध्यान रखना, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए इस बार 2, 8, 1, 11 ही रह गए, एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिया ना उसने, तो 12 में से एक इलेक्ट्रॉन कम होने से 11 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा इस पे। इस कंडीशन में अब ये MG या MG जो बनाए पॉजिटिव आयन, ये अटैक करेगा आपके किस पे, एल्किल ग्रुप पर। एल्किल ग्रुप पर रिएक्शन करने से क्या फॉर्मेशन होगा, दैट लेट्स सी। RX जो कंपाउंड लिया है मैंने, उसमें से वी नो दैट हेलोजन की इलेक्ट्रोनिटी हाईएस्ट है, इसीलिए बॉन्ड ब्रेकेशन किस साइड होगा, हेलोजन की ओर हेलोजन होगा। तो R पे तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, देन हेलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। मीन्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन तो किसका था, एल्किल का, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, एक्स का, लेकिन हेलोजन की इलेक्ट्रोनिटी हाईएस्ट होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, हेलोजन, तो इस पे आ गया माइनस, इस पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए आ गया इस पे पॉजिटिव। इस कंडीशन में आर का जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है उसको लिए आर पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना पॉजिटिव रिमूव कर लेता है। मीन्स आर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कंबाइंड हो जाता है किसमें, आर इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स में। क्लियर, एक फ्री रेडिकल्स मिल गया आपको। अब ये फ्री रेडिकल MG से और X से रिएक्शन करेगा, मतलब आगे रिएक्शन क्या होगी वो यहाँ पे देखते हैं अपन, कैसे रिएक्शन होगी। R MG पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, एक कंपाउंड एलिमेंट कौन सा है, हेलोजन। अब देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो R और MG के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। वी नो दैट वन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस साइड आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया, इस कंडीशन में हो गया ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। हैलोजन की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक करेगा इसलिए यहाँ आ गया, तो दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ये देखो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम ही तो है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विद मेटल एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन हो गया। खास बात ये है इसमें, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इसके अंदर इस बॉन्ड के कैरेक्टर जो हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इस बॉन्ड के कैरेक्टर जो हैं वो आयनिक कैरेक्टर है, कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर है, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्शन से आया है। तो RMGX के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी हैं और आयनिक कैरेक्टर भी हैं, सो दिट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। इसकी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। MG ने अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 12 इलेक्ट्रॉन्स थे कितने रह गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए। इस कंडीशन में यहाँ पर RX अपन ने यूज़ किया, R के प्लेस पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, X के प्लेस पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो। कॉमन एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होने से X को वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया,
और पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन हमने इससे एक्सेप्ट करा दिया, एक्सेप्ट कराने से आर पे इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह गया और उसकी रिएक्शन फिर इन तीनों से आर एम जी एक्स को तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने से जो फॉर्मेशन हुआ दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट कैरेक्टर एनायनिंग कैरेक्टर ग्रिग्नियर रिएजेंट। ठीक है ना, देख लो फटाफट। क्वेश्चंस, रिएक्शन विद मेटल कंप्लीट होने के बाद हमने MG से रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, रिएक्शन के साथ देखें तो हमने ZN के साथ रिएक्शन, लिथियम के साथ सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब हेलो एल्केन का जो एक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें आपके घर पर इजी वे में, इजी क्वेश्चंस हैं, बस एक बार चैप्टर को रिवाइज करें, मतलब जो अभी तक पढ़ाए गए टॉपिक्स उनको एक बार स्टडी करें बिल्कुल ध्यान से, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन अपन ने रिएक्शन की है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कंपाउंड की रिएक्शन कराई है HBr से, परोक्साइड की प्रेजेंस में कंपाउंड फॉर्मेशन करना है आपको। अल्कोहल की रिएक्शन एल्कोहलिक क्वेज की प्रेजेंस में यूज़ किया है, यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल यूज़ किया है, क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो आपको यहाँ पर रिएक्शन में कंप्लीट करना है, क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो रिएक्शन लिखना है। इस रिएक्शन को अपन को देखना है कि ये किससे रिलेटेड है, क्या क्या कंपाउंड यूज़ हुए हैं अपन ने यहाँ पर, रेडिकल क्या क्या यूज़ किए हैं, रिएक्टेंट क्या यूज़ किए हैं, डाई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कंपाउंड फॉर्मेशन करना है। ठीक है ना, एक रिएक्शन और ऐड कर दूं मैं इसके अंदर तो C2H5Br प्लस Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होगा रिएक्शन में कंप्लीट करनी है। ये तो फिलिंग द ब्लैंक हो गया आपका मान लो। अब रिएक्शन देखें इसमें क्या हो रहा है, इधर क्वेश्चन देखें तो व्हाट हैपन व्हेन द 2-bromo-butane रिएक्ट विद एल्कोहलिक क्वेज, ये रिएक्शन देनी है आपको, मतलब क्या रिएक्शन केमिकल इक्वेशन क्या होगी वो एक्सप्लेन करनी है। व्हाट हैपन व्हेन 1 degree एल्कल हैलाइड रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट, क्या फॉर्मेशन होगा, दोनों आपको हिंट फॉर्म में दिए गए हैं और उसकी आपको केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट भी खुद लिखना प्रोडक्ट भी खुद लिखना, दैट इज योर HW फॉर योर केमिस्ट्री। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। हेलो एरिल, अपन स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर।